नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा आपके सामने एएमएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने फिजिक्स के जो रेलवे पुलिस फोर्स हरियाणा पुलिस जो नॉर्मल 10th लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनके हम आज फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आजकल एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स आने लग गए हैं, तो आज हम वो आपके सामने कैसे कैसे क्वेश्चन कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं आज हम आपके सामने वो डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स है क्या, कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे आता है वो समझते हैं। तो सबसे पहली बात, फिजिक्स क्या है? हिंदी में भौतिक विज्ञान बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। फिजिक्स शब्द का जो जन्म है वो फ्यूजिक्स शब्द से हुआ है, और ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका मीनिंग हमारी भाषा में होता है नेचर, नेचर यानी कि प्रकृति। तो हम फिजिक्स के बारे में ये बोलते हैं कि प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाएं या फिर प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन फिजिक्स कहलाता है, घटनाओं का अध्ययन फिजिक्स कहलाता है, यानी कि भौतिक विज्ञान कहलाता है, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब हम समझते हैं कि जो फिजिक्स है वो कितने भागों में बटा है। फिजिक्स मेनली दो भागों में बटा है, एक क्लासिकल, क्लासिकल यानी कि पुराना, और एक मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न यानी कि आधुनिक। भौतिक विज्ञान दो भागों में बटा हुआ है, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स पुरानी फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक, जो हमारे लॉन्ग एंशिएंट टाइम से होने के बाद से जो 1901 से लेके 2018 तक जो चल रही है उसको हम मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। क्लासिकल फिजिक्स बिफोर 19th century, 19वीं सदी से जो पहले की फिजिक्स है वो क्लासिकल फिजिक्स में आती है, और आफ्टर 19th century 19वीं सदी से बाद वाली, जैसे कि आजकल जो चल रही है 1901 से लेके 2018 तक का जो फिजिक्स है वो मॉडर्न फिजिक्स में आता है। क्लासिकल फिजिक्स यानी कि जो पुराने टाइम से जो खोजें हो चुकी है उनके बारे में जो वैज्ञानिकों ने बताया था वो क्लासिकल फिजिक्स में आता है, और जो 1901 से 2018 तक जो हल हो रहा है वो मॉडर्न फिजिक्स में आता है। जो 19वीं सदी से पहले में था वो क्या था, नंबर एक प्रकाशिकी, इंग्लिश में इसको ऑप्टिक्स बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं, यानी कि प्रकाश और उससे संबंधित जितनी भी बातें होती है वो सारी किसमें आती है भाई, ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी में आती है। दूसरा विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा उष्मा यानी कि हीट, हीट का हम एक प्रॉपर नाम दे देते हैं, उसको हम एक ब्रांच होती है फिजिक्स की इंग्लिश में उसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। और एक लास्ट विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबकता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं। ये टॉपिक्स प्रकाश का है, विद्युत का है, चुंबक का है, और विद्युत और चुंबक दोनों को कंबाइन रूप से मिला के हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। और जो गर्मी उष्मा की भाई चीजें गर्म हो रही हैं, चीजें ठंडी हो रही हैं, वो सब हीट यानी कि थर्मोडायनामिक्स में आता है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले हम जिक्र करना चाहेंगे आइंस्टीन का। उसने एक सूत्र दिया था फेमस, आप जानते भी होंगे शायद, E=mc2। ये जो फॉर्मूला E=mc2, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत बोलते हैं। आइंस्टीन ने ये दिया था। तो जब ये आइंस्टीन ने दिया था उसके बाद 19वीं सदी के जो स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला दिया गया था, तब तो वहां से लेके जो अब तक फिजिक्स
आ रहा है उसको हम मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में टॉपिक क्या क्या आते हैं? टॉपिक आते हैं फोटोन के बारे में पढ़ना। फोटोन क्या होता है? फोटोन प्रकाश के कण को बोलते हैं, वैसे एनर्जी बंडल्स होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, उनको फोटोन बोलते हैं। सेकंड, एटॉमिक फिजिक्स, यानी कि परमाणु के अंदर की भौतिकी, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स कैसे हैं, कैसे कैसे बांटे गए हैं, उनका एनर्जी लेवल क्या है, ये सब बातें मॉडर्न फिजिक्स में आती है। तो आज हम बच्चों आपके सामने शुरू करेंगे पहला टॉपिक विद्युत का, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का। आरपीएफ में, हरियाणा पुलिस में अभी अभी बिल्कुल करंट में जो एग्जाम हुआ है अपना डी ग्रुप, हरियाणा डी ग्रुप का जो फेमस एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं फिजिक्स के, और वो भी न्यूमेरिकल, और वो किस में से है, वो सारे के सारे क्लासिकल फिजिक्स से। क्लासिकल फिजिक्स की कौन सी ब्रांच से है? एक तो प्रकाश से रिलेटेड है, जो प्रकाश से रिलेटेड होता है वो किस में आता है? ऑप्टिक्स में। तो वो एक तो ऑप्टिक्स से है और एक वो विद्युत से, इलेक्ट्रिसिटी से, मेनली ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी ये फेमस है। तो हम इन्हीं को स्टार्टिंग देंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टार्टिंग से पहले, जो साइंटिस्ट जिस लाइन में जितना ज्यादा काम करता है, जो साइंटिस्ट जिस लाइन में जितना ज्यादा काम करता है उसे उसका फादर बोल दिया जाता है। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है उसके फादर कौन है भाई? पुराने टाइम में 19वीं सदी से पहले के टाइम में सर आइजैक न्यूटन, कई टीचर इसे इसाक न्यूटन बोलते हैं, इसाक न्यूटन नहीं, ये आइजैक न्यूटन होता है। जो क्लासिकल फिजिक्स है उसके जो फादर है वो कौन है? आइजैक न्यूटन। और जो मॉडर्न फिजिक्स है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है? वो है हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन। बच्चों आपने नाम जरूर सुना होगा आइंस्टीन का। तो जो वो आइंस्टीन है वो मॉडर्न फिजिक्स के फादर बोले जाते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा। बेटा पहले नाम को नाम से ही तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है। सिटी वर्ड का मीनिंग हिंदी में होता है शहर, ठीक है जी। और बेटा हम जानते हैं कि शहर में कोई आदमी आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, यानी कंटिन्यूसली एक तरह से शहर के अंदर क्या होती रहती है? मूवमेंट होती रहती है, यानी कि उछलता फिरता रहता है। और बेटा अगर हम इलेक्ट्रो शब्द को अलग निकाल लें, सिटी अलग, इलेक्ट्रो अलग, इलेक्ट्रो का मतलब है यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसको कंबाइंड रूप से समझे, इलेक्ट्रॉन का शहर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन का शहर, और शहर का मतलब हमने क्या निकाला है यहाँ पे? मूवमेंट से निकाला है। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को ही इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चलने फिरने को ही विद्युत धारा कहा जाता है, ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं हम पहला टॉपिक आवेश यानी कि चार्ज। यह एक प्रकार का, यह एक प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है। सबसे पहली बात, व्हाट इज चार्ज? चार्ज है क्या भाई? चार्ज एक तरह का फोर्स है, अट्रैक्शन या रिपल्शन दोनों तरह का हो सकता है। अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचना, रिपल्शन अपने से दूर फेंकना। बार बार हम आवेश नहीं लिखेंगे, आवेश का एक सिंबल होता है, इसे Q से डिनोट करते हैं। Q यानी कि स्मॉल लेटर, हमें पता क्यों नहीं करना है, ध्यान रखें छोटा Q नहीं, छोटा Q चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। बार बार चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है, Q लिख दिया, दैट इनफ फॉर चार्ज, इसे Q से दर्शाते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट सवाल, इसका SI मात्रक क्या है?
आवेश का एस आई मतलब मात्रक, एस आई का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम में, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आवेश का मात्रक क्या है? एस आई मात्रक कूलम्ब है। इंग्लिश में कुछ टीचर इसको कूलम्ब प्रोनंसिएशन करते हैं, वो भी करेक्ट है। एस आई में टॉप चार्ज इज कूलम्ब। चलिए एक और बता देते हैं आपको, सीजीएस मात्रक क्या है? सीजीएस होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। सीजीएस में आवेश का मात्रक स्टैट कूलम्ब होता है। और इन दोनों पद्धतियों में आपस में रिलेशन क्या है? एक कूलम्ब 3×10^9 स्टैट कूलम्ब के बराबर होता है। हमेशा याद रखें, सीजीएस मात्रक पहले था, एसआई मात्रक आजकल चलता है, और दोनों का रिलेशन जो है चार्ज के लिए वो ये 3×10^9 स्टैट कूलम्ब। फिर आवेश की खोज किसने की? आवेश की खोज, कुछ टीचर बोलते हैं कि आवेश की जो खोज है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करी थी। ऐसा नहीं है। आवेश की खोज 600 ईसा पूर्व यूनान में थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। चार्ज इज डिस्कवर्ड बाय थेल्स ऑफ माइलेटस इन 600 BC। उसके बाद आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। नंबर एक, धनात्मक आवेश, पॉजिटिवली चार्ज। देखिए बच्चों, अब हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एक आई थिंक केमिस्ट्री का भी टॉपिक हम उसको कह सकते हैं, हल्का सा हम उसको समझेंगे। देखो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हर एक चीज किससे मिलकर बनी है, परमाणु से। और परमाणु में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम एटम बोलते हैं। परमाणु के अंदर तीन मुख्य कण होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहता है। हम ये भी जानते हैं कि परमाणु के अंदर एक गोल केंद्र होता है बीच में, जिसको हम नाभिक या न्यूक्लियस बोलते हैं। नाभिक के अंदर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस भी बोल देते हैं इंग्लिश में। नाभिक को न्यूक्लियस बोल देते हैं। कई बार जो एग्जाम्स है उसमें सीधा लिखा रहता है परमाणु के न्यूक्लियस में, एटम का न्यूक्लियस, उसमें कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। जैसे भाई कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं हम, बिहार के जो लोग हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बिहारी। और हरियाणा के जो लोग हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हरियाणवी। तो उसी तरह से जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, उनको बोलते हैं भाई न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स कौन कौन होते हैं? जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है परमाणु के, और जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो क्या क्या है? एक तो प्रोटॉन है और एक क्या है? न्यूट्रॉन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, न्यूक्लियॉन्स किन्हें कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भाई ग्रुप से मिला के न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ही बाहर जा सकता है और वो ही अंदर आ सकता है। जब किसी परमाणु के अंदर या तो इलेक्ट्रॉन आ जाए या इलेक्ट्रॉन चला जाए तभी आवेश आता है, अदरवाइज चार्ज नहीं आता है। तो धनात्मक आवेश किसे कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो,
इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये केस हमेशा धातुओं में होता है। मेटालिक चीज कोई भी हो ये उसमें होता है, यानी कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज चार्ज ऑन व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज। सेकंड, ऋणात्मक आवेश नेगेटिवली चार्ज्ड। भाई ठीक इसका उल्टा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा तब हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। फॉर एग्जाम्पल धातुएं जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स के सब पे नेगेटिव चार्ज होता है। आज के इस टॉपिक में, क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपका कमेंट क्यूरी क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।